हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सीपीयू क्या है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय प्रक्रमण इकाई। क्लियर? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और हिंदी में से केंद्रीय प्रक्रमण इकाई कहा जाता है। जानते हैं सबसे पहले कि सीपीयू क्या करता है। तो देखिए, सीपीयू डेटा को रिसीव करता है ना, डेटा को क्या करता है? रिसीव करता है, इसको प्रोसेस करता है। ठीक है, सीपीयू डेटा को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस को दे देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक इनपुट डिवाइस होगा, एक क्या होगा? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस किससे कनेक्टेड रहेगा? सीपीयू से। यह आपका सीपीयू है और सीपीयू से कौन कनेक्ट रहेगा? आउटपुट डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों सीपीयू से कनेक्ट रहेंगे। इनपुट डिवाइस से डेटा है ना, इनपुट डिवाइस से जो है क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ इनपुट दिया जाएगा। तो सीपीयू क्या करेगा, उसको डेटा को मेमोरी यूनिट से लेता है वो, तो डेटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा। सबसे पहले डेटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद प्रोसेस करेगा, फिर रिजल्ट, उसका रिजल्ट वो आउटपुट डिवाइस को दे देता है और आउटपुट डिवाइस क्या करता है? उसको डिस्प्ले कर देता है। तो पहला चीज यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि सीपीयू डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। और प्रोसेस से ही आपको याद रखना है कि सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के कारण ही सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है। याद रखें कि ये डेटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है कौन? सीपीयू। दूसरा चीज, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। याद रखेंगे, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सीपीयू ही सारे कार्यों को, कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि सीपीयू क्या करता है? सीपीयू सिर्फ जीरो या एक, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू जीरो या एक ही भाषा को समझता है ना, जीरो या एक। इसको क्या कहा जाता है? बाइनरी कोड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बाइनरी कोड। तो सीपीयू क्या करता है? बाइनरी कोड के माध्यम से, जीरो एक के माध्यम से अपना रिजल्ट आउटपुट डिवाइस को दे देता है और आउटपुट डिवाइस उसको मनुष्य के समझने योग्य भाषा में बदलकर हमको रिजल्ट देता है। मतलब हम जब मॉनिटर को देखते हैं, आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर रख लेते हैं, मॉनिटर है ना, टीवी जैसे, आपके घर में कोई टीवी होगा तो टीवी जैसा आप समझ ले, डिस्प्ले है ना, मॉनिटर में दिख जाता है हमको क्या? आउटपुट डिवाइस में हमको उसका रिजल्ट दिख जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो सीपीयू में ही होता है। इनपुट डिवाइस देने के लिए है, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट देने के लिए है ना। इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस जो है डेटा देता है, सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को क्या कर देता है? डिस्प्ले कर देता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करके हमको बता देता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सीपीयू क्या है। तो देखिए, यहां पर मैंने अपने ऑफिस का एक सीपीयू लाके आपके लिए रखा है ताकि आप देखकर समझ सके। इसमें ऑन ऑफ का बटन यहां पर होता है, बहुत सारे जो फंक्शन है वो यहां पर पीछे लगाने होते हैं, ये सब जो यूएसबी केबल है, ये सारी चीजें है ना, जैसे माउस का ये सब लगा हुआ है। तो ये आपको सीपीयू जो दिख रहा है, सीपीयू तीन भागों में बटा होता है। ये सीपीयू तीन भागों में बटा होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तीन भागों में सीपीयू बटा होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो देखिए, सीपीयू को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सीपीयू के भाग है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा सीपीयू के भाग। तो भाग जो है वो तीन तरह से, कौन कौन से प्रकार होते हैं? सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू कहा जाता है और एक होता है मेमोरी यूनिट। तीनों चीजों के बारे में जानेंगे ना। सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। कंट्रोल यूनिट इसका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि ये तीनों होता क्या है। तो जैसे ये सीपीयू आपको दिख रहा है, तो इस सीपीयू को सबसे पहले तो खोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक हार्ड डिस्क यहां पे लगा हुआ है और यहां पर जो सिलिकॉन चिप आपको दिख रहा होगा है ना, अंदर में पंखा के साथ जो लगा, ये पंखा जो है उसको ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से में ही कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और यहां पर जो प्राइमरी मेमोरी ये लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो इस तरह से सीपीयू दिखता है कुछ। ठीक है,
सीपीयू आपको समझ में आ रहा है कि सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है उसको भी मैं बताता हूं। जैसे इनपुट डिवाइस के लिए हम एक कीबोर्ड मान लेते हैं, मतलब यहां पर जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड से हमने चार गुणित चार किया, तो चार गुणित चार को सीपीयू क्या करता है, इस डेटा को लेता है और उसको प्रोसेस करता है। चार गुणित चार क्या होगा, 16 होगा। उस 16 को वो बाइनरी कोड के माध्यम से 01 के माध्यम से, है ना, बाइनरी कोड मैंने आपको बताया था, 01 के माध्यम से किसको दे देता है, आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में वो क्या दिखता है हमको, 16 दिखता है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस क्या करता है, मनुष्य मतलब हमारे समझने योग्य भाषा में बदल देता है उसको 16। मतलब जब मैं 4 गुणित 4 करूंगा तो 0 और 1 के फॉर्म में क्या होगा, बाइनरी कोड के माध्यम से सीपीयू में जाएगा और वहां प्रोसेस होने के बाद बाइनरी कोड के माध्यम से ही आउटपुट डिवाइस में जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो उसको डिस्प्ले करता है किस भाषा में, मनुष्य के समझने योग्य भाषा में। तो तीन चीजें जिसके बारे में हमें बात कर रही है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो समझेंगे सबसे पहले कंट्रोल यूनिट जो दिख रहा है आपको, कंट्रोल यूनिट ही इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट ही आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करता है और कंट्रोल यूनिट ही मेमोरी यूनिट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि जो पहला पार्ट हमको कंट्रोल यूनिट पढ़ना है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, ध्यान देंगे, है ना, कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे इनपुट डिवाइस को, सारे डिवाइसों को भी, आउटपुट डिवाइस ALU MU सबको, ठीक है। अब समझेंगे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, तो अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं मतलब ALU का काम क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना, गणना करने का काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट से डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद मेमोरी यूनिट में भेज देता है वापस। मेमोरी यूनिट क्या करता है तो देखेंगे, यहां पर मेमोरी यूनिट को हम अलग से समझते हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। तो मेमोरी यूनिट को भी दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है समझते हैं। प्राथमिक मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी, ये क्या करता है, वर्तमान में जो आप जो भी कर रहे हो, जैसे चार गुणे चार आप कर रहे हो, तो तुरंत जो आप काम कर रहे हो, वर्तमान में जो काम कर रहे हो, उसके डेटा को या निर्देश को संग्रह करने का, स्टोर करने का काम होता है प्राइमरी मेमोरी का। लेकिन उसी डेटा को बाद में हमें फिर से उपयोग करना है, तो बाद में उपयोग होने वाले डेटा और निर्देश को संग्रह करने का काम, स्टोर करने का काम सेकेंडरी मेमोरी का है, ठीक है। वर्तमान में जो काम होगा वो प्राइमरी मेमोरी पे होता है, और बाद के लिए जैसे बाद में कोई चीज हमको उपयोग करना है तो वो कहां सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ALU क्या करता है, डेटा को मेमोरी यूनिट से लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद उसको जोड़ घटाव गुणा भाग करके वापस मेमोरी यूनिट में भेज देता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, तो मेमोरी यूनिट में प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों है, तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, उसको पहले प्राथमिक में लेता है, उसके बाद सेकेंडरी में भेजता है, और उसके बाद रिजल्ट कहां जाता है, तो आउटपुट डिवाइस में जाता है। रिजल्ट कहां जाता है, आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस हमारा, हम मॉनिटर मानकर चल रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है जिसमें हम देखते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट हमको पता कहां चलेगा, जहां से हमको दिखेगा, दिख रहा है कहां, मॉनिटर से। देखिए इनपुट डिवाइस में मैंने सिर्फ आपको कीबोर्ड दिखाया, माउस भी होता है, बहुत सारी चीजें, इनपुट डिवाइस का एक अलग चैप्टर है कि कितने प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं, वैसे ही कितने प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसका भी वीडियो जो है आएगा, उसको भी आप डिटेल से स्टडी करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसलिए मैंने जो है अपने ऑफिस का जो कीबोर्ड है और आपका सीपीयू, ये लाकर आपको दिखाया, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से सीपीयू किसको बोलते हैं और कीबोर्ड किसको बोलते हैं, इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा। आउटपुट डिवाइस में मैं मॉनिटर नहीं ला पाया, क्योंकि अगर वो गिर जाता तो टूट सकता था, इस कारण आउटपुट डिवाइस, आप समझ लीजिए, मैं यहां पे डायग्राम आपको दिख रहा हूं, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है ना। तो इस तरह से हमने सभी चीजों का काम समझ लिया। सबसे पहले आज के क्लास में हमने क्या देखा, आज के क्लास में हमने देखा कि सीपीयू क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं। सीपीयू क्या होता है तो आपको पता है, सीपीयू डेटा को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइस को दे देता है। किस माध्यम में देता है, तो बाइनरी कोड के माध्यम में देता है। इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोसेस करता है। दूसरा कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप है। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो सबको कंट्रोल करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो क्या करता है, गणना करता है, और मेमोरी यूनिट क्या करेगा, तो मेमोरी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। तो इस तरह से सीपीयू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। कंप्यूटर की क्लास जो चल रही है, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, इसके नोट्स बनाते चलना है, और अगर इससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज दिलाना है, सिर्फ कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज दिलाना है, इसके नोट्स पढ़ना है, या इसके वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो करीब करीब 1000 क्वेश्चन का जो मैंने वो बनाया है आपका टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, 500 वन लाइनर है करीब,
और उसका जो नोट्स है वो आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि कितने में उसका प्राइस क्या रखा गया, ये सारी चीजें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।